गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया एपिसोड हम लोग जा रहे हैं नतुला पास, चांगू, बाबा मंदिर, जितना भी है वो सब घुमाने वाले हैं आज। तो आज शायद थोड़ा बहुत बर्फ़ देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो अभी हम लोग का टैक्सी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं ऐसे। सो गाइस, आप सभी को पता नहीं हो सकता है कि नतुला पास के तरफ प्राइवेट कार लेके नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज़ अ बॉर्डर एरिया एंड ले जाने से भी पास वगैरह बनाना पड़ता है, जो कि बहुत दिन लग जाता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट लोग शेयरिंग गाड़ी में ही जाते हैं एंड हम लोगों ने भी वही किया था। हम लोगों ने एक शेयरिंग गाड़ी बुक किया था जो कि पर पर्सन हम लोग का 800 लगा एंड वो लोग नतुला पास, बाबा मंदिर, चांगू रिवर सब घुमा के ला के देते हैं। एंड या हम लोगों ने वही किया एंड लेट्स गो एंड सी। अभी हम लोग यहाँ पे व्यू देखने के लिए रुके हुए हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर बर्फ की जगह में। वो रहा। लेकिन बर्फ इतना नहीं है। मैगी खाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं ऊपर, कुछ नहीं है बोल रहे हैं लेकिन कुछ तो है। मुझे बात करने का भी मन नहीं है, इतना ठंडा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ऊपर कहाँ जा रहे हैं। ऊपर है इंडिया और चाइना का बॉर्डर नतुला पास एंड जहाँ में वीडियोग्राफी एंड फ़ोटो टोटली प्रोहिबिटेड है, तो हम लोगों ने वीडियो नहीं किया। एंड ऊपर जाके ही मेरा हालत बहुत ख़राब हो चुका था, मुझे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। बट आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हैव एक्सपीरियंस सच अ ब्यूटीफुल व्यू इन माई लाइफ। एंड देन रास्ते में ही हम लोग को एक लॉर्ड शिवा का बहुत सुंदर प्यारा टेम्पल मिला, जिसके पीछे एक छोटा सा झरना था और पूरा जम चुका था आइस से। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था वहाँ पे। और हाँ, बाबा हरभजन सिंह का एक म्यूज़ियम भी था वहाँ पे, जो कि मैंने अच्छा से एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरा हालत टोटली ख़राब हो चुका था ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ही ठंड लग रहा था वहाँ पर, नाक वगैरह सब जम चुका था। एंड देन नीचे आके हम लोगों को लास्ट लेके गए चांगू रिवर में एंड आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है वहाँ में। बट ठंड तो आप बोलिएगा मत, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है। hey guys, अभी हम लोग हैं चांगू लेक में है हम लोग। अभी आपको दिखाऊंगे मेरे पीछे ये रहा। यहाँ पे ऊपर में रोप वे है, पर पर्सन 350 शायद। हम लोग नहीं जाएंगे ऊपर में, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऊपर नहीं जा सकते। हम लोग देख सकते लोग वहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये रोप वे ऊपर ले जाएंगे, उधर वहाँ तक लेके जाएंगे।
और बहुत ठंडा है और यहाँ भी याक का राइड भी कर सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत। चाय पी रहे हैं, हॉट कॉफी एंड सेक्सी वेदर। तो लास्ट चाय के साथ हम लोगों ने अपना सफ़र ख़त्म किया और जैसे कि सिक्किम का सफ़र बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल था। आप लोग भी कभी ऐसे ही सफ़र तय कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कभी थोड़ा सा समय निकाल के ऐसे पहाड़ों में जाया कीजिएगा, बहुत ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे अपने होम स्टे में, थोड़ा रेस्ट करके ही हम लोग डायरेक्ट निकल चले अपने आसाम की ओर, क्योंकि हम लोग का मतलब क्लासेस वगैरह था सबका, किसी किसी का ड्यूटी था, तो टाइम नहीं था हम लोग को वहाँ और एक्सप्लोर करने के लिए। बट दिल नहीं मान रहा था बैक आने के लिए, क्योंकि वहाँ का नज़ारा जो था उससे प्यार हो चुका था हम लोगों को। देन हम लोगों ने अपने दिल में पत्थर रख के हम लोग निकल पड़े वहाँ से इवनिंग को। एंड देन देख के बहुत ही ख़राब लग रहा था कि हम लोग कितने अच्छे जगह को छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा दिन ही रहे, 4 डेज़ का ट्रिप था, लेकिन इस 4 डेज़ में इतना ज़्यादा मेमोरीज़ बने, इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा व्यूज़ हम लोग को देखने को मिला। सिक्किम इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट एंड आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ का लोग, यहाँ का नेचर बहुत ही प्यारा है। एंड हाँ, हम लोग का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ तो हम लोग गए सीधे अपने अपने घर गुवाहाटी। हम लोगों का लास्ट डिनर और हम लोग जा रहे हैं घर। ये हम लोग का लास्ट डिनर है आज, उसके बाद बाय बाय टाटा। होल नाइट ड्राइव करने के बाद मॉर्निंग हम लोग पहुंचे आसाम। सो दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ सिक्किम ट्रिप। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। That's it for today's video. वीडियो इतना तक ही था, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि when we reach नाथुला पास वहाँ में हाइट का प्रॉब्लम से मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नहीं था, तो मेरा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने वीडियो इतना नहीं बनाया, इतना ले पाई हूँ मैंने आप लोगों को दिखाया है। एंड हम लोग का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग अभी बैक आ चुके हैं अपने अपने घर पे। एंड यस, द नॉर्मल लाइफ स्टार्ट नाउ। बट जो एक्सपीरियंस था सिक्किम का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर, बहुत सुकून है गाइस, बहुत ही अच्छा आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आप लोग सपोर्ट करें तो ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।